और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है लोकसभा से जुड़ी। आपको बता दें लोकसभा से 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया है, राज्यसभा से एक सांसद सस्पेंड किए गए हैं। अब तक संसद के कुल 15 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। कार्रवाई में बाधा पहुंचाने का आरोप है इन सांसदों पर। हंगामा करने वाले सांसद किए गए सस्पेंड। बड़ी और जानकारी फिलहाल इस वक्त दे रहे हैं, लगातार हंगामे के चलते इन सांसदों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि निलंबन के बावजूद टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन राज्यसभा की कार्रवाई में शामिल हुए और इस पर सभापति ने कहा कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि निलंबन के बावजूद भी डेरेक ओब्रायन अभी भी सदन में मौजूद है, उनके कारण सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है। हंगामे लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो यह बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रही है। राज्यसभा से एक सांसद सस्पेंड, अब तक संसद के कुल 15 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है।